गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट, आज हम लोग महाभारत पढ़ेंगे। महाभारत में आज हमारा चैप्टर है राजदूत संजय। पिछले क्लास में आपने पढ़ा था मंत्रणा। मंत्रणा में जब पांडवों का अज्ञातवास पूर्ण हो गया था, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूर्ण हो चुका था, तो उसके बाद उत्तरा और अभिमन्यु की शादी होती है। उसी शादी में युद्ध को लेकर के मंत्रणा होती है पांडवों की तरफ से, उसमें राजदूत भी आते हैं। तो इसके बाद राजदूत जो संजय जो थे वो कौरवों की तरफ से आए थे पांडवों के पास, तो उन्होंने क्या कहा ये बात हम आज पढ़ेंगे। उपलब्ध नगर में रहते हुए पांडवों ने अपने मित्र राजाओं को दूतों द्वारा संदेश भेजकर बुलाया। कोई 7 अक्षौणिक सेनाएं एकत्र हुई, कई उधर कौरवों ने भी अपने मित्रों द्वारा काफ़ी बड़ी सेना इकट्ठी कर ली, जो 11 अक्षौणिक सेना तक हो गई थी। पंचाल नरेश के पुरोहित जो युधिष्ठिर की ओर से राजदूत बनकर हस्तिनापुर गए थे, नियत समय पर धृतराष्ट्र की राज्यसभा में वो पहुंचे। यानी दोनों तरफ से युद्ध की तैयारियां हो गई थी। उसके बाद एक कोशिश, एक छोटा सा प्रयास जो था कि युद्ध को ना किया जाए, ऐसे ही बात हो जाए, इस तरह इस बात को अपनाने के लिए राजदूतों का आना जाना शुरू हुआ। तो पांडव की तरफ से हस्तिनापुर दूत बन करके गए पंचाल नरेश, वो धृतराष्ट्र की राज्यसभा में पहुंचे। यथाविधि कुशल समाचार पूछने के बाद पांडव की ओर से संधि का प्रस्ताव करते हुए वह बोले, युधिष्ठिर का विचार है कि युद्ध से संसार का नाश होगा और इसी कारण से युद्ध से वो घृणा करते हैं, वे लड़ना नहीं चाहते, इसलिए न्याय तथा पहले के समझौते के अनुसार जो चीज उचित होगा उसका हिस्सा देने की, वो उचित बस जो उनका हिस्सा होता है वो मांगने के लिए प्रस्ताव रखते हैं। इसमें विलंब न कीजिए, और ये भी बात बताते हैं कि इस यथाशीघ्र इसमें विचार कीजिए, विलंब न कीजिए। यह सुनकर विवेकशील और महारथी भीष्म बोले, यही न्यायोचित है, उन्हें उनका राज वापस कर दिया जाए। पांडव की तरफ से जो दूत आए थे उन्होंने अपना मत व्यक्त किया। इसको सुनते हुए भीष्म जो थे वो बोले कि ये न्यायोचित है, उनका राज उनको वापस कर देना चाहिए। भीष्म की बात कर्ण को अप्रिय लगी, बुरी लगी। वह बड़े क्रोध के साथ भीष्म की बात काट कर दूत की ओर देखता हुआ बोला, 13वां वर्ष पूरा होने से पहले ही उन्होंने प्रतिज्ञा भंग करके अपने आप को प्रकट कर दिया है, इसलिए शर्त के अनुसार उनको फिर से 12 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ेगा। कर्ण के इस प्रकार बीच में उनकी बात काट कर बोलने से भीष्म को बड़ा क्रोध आया। वह बोले, राधा पुत्र तुम बेकार की बातें कर रहे हो, यदि तुम युधिष्ठिर के दूत के कहे अनुसार संधि नहीं करोगे तो निश्चय ही युद्ध छिड़ जाएगा और उसमें दुर्योधन और उसके सब भी भाई जो है दुर्योधन को पराजित होकर मृत्यु के मुंह में जाना पड़ेगा। भीष्म की बातों से सभा में खलबली मचने ते देखकर धृतराष्ट्र बोले, सारे संसार की भलाई को ध्यान में रखकर मैंने यह निश्चय किया है कि अपनी तरफ से संजय को दूत बनाकर पांडवों के पास भेजा जाए। फिर धृतराष्ट्र ने संजय को बुलाकर कहा, संजय तुम पांडु पुत्रों के पास जाओ, श्री कृष्ण साहित्यिक विराट आदि राजाओं से भी कहना कि मैंने सप्रेम उन सबकी कुशल क्षेम पूछा है, वहां जाकर मेरी ओर से युद्ध न होने की चेष्टा कर। संजय उपलब्ध को रवाना हो गए। वहां पहुंचकर युधिष्ठिर की सभा में सबको विधिवत प्रणाम करते हुए बोले, धर्मराज महाराज धृतराष्ट्र ने आपकी कुशल क्षेम पूछी और कहा है कि वह युद्ध की बात नहीं करना चाहते, वह तो आपको अपना मित्र बनाना चाहते हैं। संजय की ये बातें सुनकर राजा युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए और बोले, मैं तो संधि ही चाहता हूँ, युद्ध का विचार करते ही मेरा मन घृणा से भर जाता है, यदि हमें अपना राज वापस मिल जाए तो हम अपने सारे कष्ट भूल जाएंगे। संजय ने कहा, युधिष्ठिर धृतराष्ट्र के पुत्र न तो अपने पिता की बात पर ध्यान देते हैं और न भीष्म की बात कुछ सुनते हैं, आप सदा से ही न्याय पर स्थिर हैं, आप युद्ध की चाह न करें। ये संजय का वक्तव्य था। संजय की ये बातें सुनकर दृष्टि बोले, संजय श्री कृष्ण दोनों पक्षों के लोगों के हित चिंतक है, वह जो सलाह देंगे मैं वैसा ही करूंगा। तभी श्री कृष्ण बोले, मैं स्वयं हस्तिनापुर जाना उचित समझता हूँ, मेरी यही इच्छा है कि कौरवों से संधि की जा सकती है तो की जाए। श्री कृष्ण के बाद युधिष्ठिर भी बोले, संजय कौरव की राज्यसभा में जाकर महाराज धृतराष्ट्र को मेरी तरफ से प्रार्थना
संदेश सुनाना कि कम से कम हमें 5 गांव ही दे दें, हम 5 भाई किसी से संतोष कर लेंगे और संधि के लिए हम तैयार हैं। युधिष्ठिर का यह संदेश लेकर संजय पांडव तथा श्री कृष्ण से विदा होकर हस्तिनापुर को रवाना हो गए। राजसभा में आकर उन्होंने युधिष्ठिर की जो सभा में बात हुई थी वो सबको सारा हाल कह सुनाया। संजय के इस प्रकार कहने पर भीष्म दुर्योधन को दोबारा समझाने के लिए धृतराष्ट्र से बोले, राजन कर्ण बार बार यही दम भर रहा है कि खत्म कर डालूंगा, किंतु मैं चाहता हूं कि पांडव की शक्ति का 16वां हिस्सा भी उसमें नहीं है। तुम्हारा पुत्र उसी के कहे अनुसार चलता है और अपने नाश का आप ही आयोजन वह कर रहा है। विराटनगर पर आक्रमण करते समय जब अर्जुन ने हमारा दर्प चूर कर दिया था तब कर्ण वहीं तो था। गंधर्व जब दुर्योधन को कैद करके ले गए तब ये जो कर्ण है वो भी वहीं पे था, वो कहाँ उस समय छिप गया था। गंधर्वों को अर्जुन ने ही भगाया और दुर्योधन को उनकी कैद से मुक्त भी किया। इसके बाद धृतराष्ट्र ने संपात होकर दुर्योधन को समझाया, बेटा भीष्म पितामह जो कहते हैं वही करने योग्य है, युद्ध न होने दो, संधि करना ही उचित होगा। दुर्योधन को जो यह सब बातें सुन रहा था उठा और अपने पिता के को साहस बढ़ाता हुआ बोला, पिताजी आप ही कैसे बोले हैं जो यह भी नहीं समझते कि स्वयं युधिष्ठिर हमारा सैन्य बल देखकर घबरा रहा है और इसी कारण आधे राज की बात छोड़कर आप केवल सिर्फ 5 गांव ही मांग रहा है। क्या उनकी इस 5 गांव वाली मांग में यह सिद्ध नहीं होता है कि हमारी 11 अक्षौणी सेना देकर युधिष्ठिर के मन में यह भय उत्पन्न हो गया है कि उत्पन्न हो गया है। इतने पर भी आपको हमारी विजय के बारे में संदेह रहा हो तो यह बड़ी ही आश्चर्य की बात है। धृतराष्ट्र ने समझाते हुए कहा, बेटा जब 5 गांव देने के से ही युद्ध टलता है तो बाज आ जाओ युद्ध से, तुम्हारे पास तो फिर भी पूरा का पूरा राज खड़ा है, अब हट न करो मान जाओ। लेकिन इस उपदेश से दुर्योधन चिढ़ गया और बोला, मैं तो सुई की नोक बराबर भूमि भी पांडव को नहीं देना चाहता, आपकी जो इच्छा हो करें, अब इसका फैसला युद्ध भूमि में ही होगा। यह कहता दुर्योधन उठ खड़ा हुआ और बाहर चला गया। सभा में खलबली मच गई और इस गड़बड़ी को सभा भांप गई थी कि आगे क्या होने वाला है। इधर संजय के उपलब्ध से रवाना हो जाने के बाद युधिष्ठिर श्री कृष्ण से बोले, वासुदेव संजय तो महाराज धृतराष्ट्र के मानो दूसरे प्राण है, उनकी बातें तो मुझे महाराज के मन की बात स्पष्ट रूप से मालूम हो गई है। मैंने तो कहला भेजा है कि हमें तो सिर्फ 5 गांव से ही संतोष है, किंतु ऐसा लगता है कि वे दुष्ट इतना भी देने को तैयार नहीं होंगे, इस बारे में अब आप ही सलाह दे सकते हैं। श्री कृष्ण से बोले युधिष्ठिर। युधिष्ठिर की बातें सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर मैंने भी एक बार स्वयं हस्तिनापुर जाने का इरादा कर लिया है, तुम लोगों के स्वप्नों और युद्ध से बचाने की चेष्टा करूंगा, यदि मैं सफल हुआ तो इससे सारे संसार का कल्याण होगा, वरना नाश तो है ही। युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण मुझे लगता है कि आप वहां ना जाए, दुर्योधन का कोई ठिकाना नहीं है, वह कब क्या कर बैठे, मुझे भय है कि कहीं वह आप पर भी प्रहार न करे। श्री कृष्ण बोले, धर्मपुत्र मैं दुर्योधन से भली भांति परिचित हूं, फिर भी हमें प्रयत्न करना चाहिए। किसी के यह कहने की गुंजाइश ही नहीं रखनी चाहिए कि हमें शांति स्थापित करने में जो प्रयास हम लोग कर रहे हैं हमने नहीं किया, यह कोई न कहे, इसलिए मेरा वहां जाना उचित है। इतना कहकर श्री कृष्ण हस्तिनापुर के लिए विदा। तो आपने राजदूत संजय की बातें सुनी और श्री कृष्ण जो है वो हस्तिनापुर जाने के लिए तैयार हो गए। संजय कौरवों की तरफ से दूत बन करके आए थे और श्री कृष्ण वासुदेव पांडवों की तरफ से दूत बन करके जा रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।